दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है इसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस तरह की मिस्टेक आप आम तौर पर कर रहे होंगे तो चलिए ये एक ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला है जीएसटी के अंदर उनका कहना है जीएसटी लायबिलिटी लाइबिलिटी हैज़ नॉट बीन इन केस वेयर जीएसटी लायबिलिटी लाइबिलिटी हैज़ नॉट बीन पेड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 का लाइबल रहेगा इवन इफ पेयर के पास एडिक्वेट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है इन इज कैश लेजर और क्रेडिट लेजर भले ही आपके कैश या क्रेडिट लेजर में बैलेंस हो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आप पर लगेगी चलिए केस को जल्दी से समझ लेते हैं जो पटिशनर है उसने अपनी मंथली रिटर्न फाइल करी जुलाई सत्रह की थ्री बी जो की है लेकिन बाद में उसने नोटिस किया कि कुछ एरर हुई है जो डाटा uh, जो पर्टेनिंग टू था फरीदाबाद प्लांट का वॉज इंक्लूडेड इंस्टेड ऑफ चेन्नई प्लांट यानी कि चेन्नई प्लांट की बजाय फरीदाबाद प्लांट का डाटा आ गया तो इससे क्या हुआ शॉर्ट डिस्कलोजर ऑफ लाइबिलिटी हो गई फॉर द पीरियड जुलाई टू अक्टूबर सेवनटीन जिससे कि पटिशनर पर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आ गई उसके बाद पटिश्नर ने ग्रीवियंस फाइल करी बिफोर द डिपार्टमेंट कि वो मॉडिफाई करना चाहता है अपनी जुलाई सत्रह की रिटर्न पटिशनर हैज़ एडमिटली नॉट फाइल्ड मंथली रिटर्न फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर सेवनटीन उसने रिटर्न फाइल नहीं करी ऑन द प्रमाइज दैट द प्रॉपर एसरटेनमेंट ऑफ टेक्स लाइबिलिटी वुड बी डिपेंड अबॉन द एडजुडिकेशन ऑफ हिस ग्रीवियंस पटिशन ठीक है क्योंकि उसने जो मिस्टेक हो गई थी जिसकी ग्रीवियंस उसने फाइल करी थी उसकी लाइबिलिटी वहीं से ही एसरटेम uh, की जाएगी ये मान करके के आगे की रिटर्न्स भी उसने फाइल नहीं करी तो पटिशनर का यही कहना था कि उसके पास सफिशियंट आईटीसी है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी और क्रेडिट लेजर में भी देयर है नो लॉस तो इन रिवेन्यू का इसमें कोई लॉस नहीं है हैंस नो जस्टिफिकेशन टू लेवी इंटरेस्ट इसलिए इंटरेस्ट लाइबिलिटी उस पर नहीं लगनी चाहिए तो इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया है कोर्ट डिक्लाइन तो टू इंसुलेट द पटिश्नर फ्रॉम लेवी ऑफ इंट्रस्ट फॉर बिलेटेड रेमिटेंस ऑफ जीएसटी फॉर जुलाई सेवनटीन टू तो, अक्टूबर सेवेंटीन हेल्ड दैट Unless petitioner actually file a return and debit the respective register, respondent cannot expect it to assume that available credit will be set off against tax liability. Until you file a return, it assume not be respondent cannot be expected to assume नहीं करेगा कि जो आपका अवेलेबल क्रेडिट है भले ही वो क्रेडिट कैश लेजर में है या क्रेडिट लेजर में कि वो आपकी लाइबिलिटी से सेट ऑफ हो गया है देआर फोर जो डिमांड है इंटरेस्ट की एज पर द ऑर्डर स्टैंड कन्फर्म्ड तो इस तरह की मिस्टेक्स आप भी मत कीजिएगा कि ऑलरेडी बैलेंस है तो आप पर इंटरेस्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगी क्योंकि देयर इज़ नो लॉस टू रिवेन्यू अनलेस एन अनटिल यू फाइल योर रिटर्न एक्चुअली फाइल योर रिटर्न या डेबिट नहीं कर देते अपने लेजर्स को रजिस्टर्स uh, को ये नहीं माना जाएगा कि आपका जो क्रेडिट है वो सेट ऑफ हो गया है